हेलो माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं मशीन का कंडीशन जो है। इसका वाटर पंप जो इंजन का वाटर पंप थोड़ा सा लीकेजिंग हो रहा था, उसके कारण से जो हम लोग का थोड़ा मशीन ट्रबल हो गया, मतलब काम के इन टाइम में। देख सकते हैं जो फैन भी हम लोग का पूरा लूज हो गया, हिल रहा, उसके साथ कनेक्शन रहता है इसलिए जो है ये हिल रहा है। और देख सकते हैं कि इस तरह से जो कनेक्शन में पूरा एकदम प्रॉब्लम हो गया, तो इसको अभी जो है हम लोग को कुछ रिपेयरिंग या फिर कुछ पार्ट्स मंगाना होगा। कॉल के देखने के बाद पता चलेगा एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो वहाँ से जो है वाटर पंप से लीकेजिंग हो रहा है, देख सकते हैं जो पानी वहाँ से एकदम आउटसाइड हो रहा है। देख सकते हो वहाँ से जैसे कि पानी का बूंद आपको दिखाई दे रहा होगा। शायद वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा, तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि देखने में थोड़ा सा अंदर से निकल रहा है ना, इसलिए काफ़ी आपको मुश्किल होगा देखने में। तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाना, उसके बाद आपको जो क्लियर से वाटर जो है दिखाई देगा कि इस तरह से जैसे वाटर जैसे वहाँ से लीकेजिंग हो रहा है। तो इसके कारण से जो हम लोग को वहाँ वाटर पंप काफ़ी लूज हो गया होगा, तो उसके कारण से जो हम लोग का पूरा फैंड भी हिल रहा है। तो उसको अभी हम लोग जो है माल गिरा के आ ही रहे थे, तो कुछ इस तरह का साउंड तो नहीं आया, जैसे कि पानी गिरना शुरू हुआ तो वहाँ देखे तो कुछ इस तरह का कंडीशन हुआ था। तो अच्छा हुआ जो हम लोग का कंक्रीट नहीं था ड्रम में, नहीं तो फिर और दिक्कत होता। वो जानते ही हम लोग मशीन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशन, अगर मशीन को चलाते तो शायद काफ़ी नुकसान हो सकता था, क्योंकि फैन भी अगर लग जाता है रेडिएटर में तो नुकसान होने का चांस 100% बन सकता था। तो हम उसी कंडीशन में मशीन को बंद कर दिए, जैसे कि हम लोग का कंक्रीट था नहीं, इस दरमियान काफ़ी दिक्कत हुआ। तो नया के लिए परचेज किया जाएगा, जैसे हम देख सकते हैं जो पंप का पूरा ये खोलना पड़ेगा यहाँ से लेके वहाँ तक, तो फैन का भी हम रेडिएटर को भी हटाना होगा। देख सकते हैं किस तरह से हिल रहा है, तो रेडिएटर का खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेडिएटर थोड़ा सा खसका देने से आपका फैन जो है निकल जाएगा वहाँ से। फैन निकल जाने के बाद हम लोग का काम जो है आसानी से कर सकते। देख सकते वाटर भी नहीं है रेडिएटर में, तो कुछ इस तरह से जो है बूंद बूंद पूरा गिर रहा है। तो पहले से गिर रहा था पता, हम लोग को जो है अभी चला, तो पहले से गिर रहा था जब लोड बना रहे थे, तो उतना गिरा नहीं था। तो फिलहाल काफ़ी उतना नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वही जो पंप हुआ है वही खाली नुकसान है, आधार कोई नुकसान हुआ नहीं है। ज़्यादातर रनिंग करा देते तो शायद फैन ने हम लोग का रेडिएटर को भी तोड़ सकता था, लेकिन हम बंद सही टाइम पर कर दिए तो फिर दिक्कत हुआ नहीं कुछ। तो सामान आने के बाद लगाया जाएगा, फिलहाल कंटिन्यू रही वीडियो में एंड तक, देखते हैं किस तरह से इसको फिटिंग किया जाता है, क्या क्या लगता है नया, सब कुछ वीडियो में बने रहे। तो दो दिन के बाद हम लोग का मशीन जैसे कि आ गया है, देख सकते हैं वाटर पंप सब खुला गया है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और फैन भी निकल गया। फैन निकलने का आसान तरीका है वीडियो में, जैसे कि फ़ैन हम लोग रेडिएटर बिना खोले ही फ़ैन को निकाल दिए, ये आसान तरीका। और इस होस को भी कनेक्शन खोल दिए हैं, होस कनेक्शन खोलने के बाद सब वाटर जो है ड्रेन हो गया है, नया फ्यूल नया वाटर जो है हम लोग को रेडिएटर में कूलन जो है डालना पड़ेगा। फिर देख सकते हैं बोल्ट को भी खोलना पड़ेगा, जैसे कि इसको थोड़ा खसकाने के बाद जो है हम लोग का फिटिंग होगा। देख सकते हैं वाटर पंप का जो ये आपका ये वहाँ पर सेटअप जो है नया लग गया। नया लगने के बाद हम लोग का नट सब टाइट्स हो रहा है, तो टाइट्स होने के बाद जो हम लोग इसका और बॉर्सेस इसको भी खोल दिए हैं। देख सकते हैं इस तरफ थोड़ा सा खसकाना पड़ता है तब जाके एडजस्ट में बैठेगा। उसके बाद देख सकते हैं इसको लगा दिया जा रहा है, तो टाइट करने के बाद काफ़ी आसानी से अभी टाइट किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग जो है फ्यूल बोल रहे हैं वाटर को टॉप अप करेंगे, उसके बाद जो है मशीन इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं क्या क्या खोला गया है, अब तक लग गया है ये पंप हम लोग का, लग गया टाइट भी हो गया फिलहाल। तो इसके बाद अभी जो है थर्मोस्टेट लगाया जाएगा, थर्मोस्टेट आपका वहाँ पंप से लेके ये आपका होस तक लगेगा, वहाँ से जो है कनेक्शन हो के आपका पंप तक जो है मीटर आपका टेम्परेचर बताता है थर्मोस्टेट के जरिए। तो फिलहाल जो है वीडियो में बना रहे हैं आखिर तक, वीडियो कुछ इस तरह है, देख सकते हैं जो थर्मोमीटर ये थर्मोमीटर पूरा थर्मोस्टेट जो है ये लग गया है यहाँ से, जो कि वाटर आपका जाता है कितना हीट कितना टेम्परेचर सब कुछ जो है इसके दौरान आपको वहाँ तक आपका शो होता है। तो ये भी लग गया है, काफ़ी जो है क्लैंप लगाना बाकी है। क्लैंप लगाने के बाद जो हम इसको कनेक्शन करके इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट करना और फैन जो है
बेल्ट नहीं लगा हुआ है तो कनबेल्ट भी लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो है टाइट करने के बाद हम सब कुछ ओके कर देंगे। तो वीडियो में बना रहे इस तरह से। थैंक यू।